24 सितंबर साल 2014 को भारत के अंतरिक्ष शोध में एक कालजयी घटना का उदय हुआ। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने पहले ही प्रयास में अपना मंगल अभियान पूरा किया। साल 2014 में आज ही के दिन भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के उपग्रह मंगलयान ने मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी इसरो को बधाई दी। भारत ने इस मिशन पर करीब 450 करोड़ रुपए खर्च किए, जो बाकी देशों के अभियानों की तुलना में सबसे ज्यादा किफायती है। इस ऐतिहासिक घटना का गवाह बनने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु के इसरो केंद्र में मौजूद रहे। मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी C-25 रॉकेट की मदद से प्रक्षेपित किया गया था। 24 सितंबर साल 2007 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत ने एक नए युग का सूत्रपात किया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय T20 में अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को फाइनल में हराकर T20 संस्करण का पहला विश्व कप अपने नाम किया। साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में खेले गए इस फाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 157 रन बनाए थे। बेहतरीन गेंदबाजी के लिए इरफान पठान को मैन ऑफ द मैच मिला। 24 सितंबर साल 1861 को भिकाजी रुस्तम कामा का जन्म बंबई यानी आज के मुंबई में हुआ। मैडम कामा के नाम से मशहूर भिकाजी एक स्वतंत्रता सेनानी थी। भिकाजी ने विभिन्न देशों का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के लिए सक्रिय रूप से काम किया। भिकाजी को जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए याद किया जाता है। साल 1906 में लंदन में उनकी मुलाकात प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल और वीर सावरकर से हुई। वहीं लंदन में रहते हुए वह दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भी रहीं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले एशियाई थे। भारत सरकार ने देश के प्रति भिकाजी कामा के समर्पण और योगदान के लिए उनके नाम एक डाक टिकट जारी किया।